धन्यवाद बच्चों। आज हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व COVID-19 कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आज हमें अपने मानवता और इंसानियत का धर्म निभाते हुए एक दूसरे की मदद, गरीब असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। और ऐसे ही हमारे समाज में कई महापुरुष जन्म लिए जिन्होंने गरीब असहाय समाज के त्यागे हुए लोगों की सेवा की। ऐसे ही एक समाज सेविका जिनका नाम है मदर टेरेसा, आज हम उन्हीं की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया समाज के त्यागे हुए लोगों की सेवा, दीनहीन लोगों की सेवा, तिरस्कृत लोगों की सेवा कर अपना जीवन समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा मूलतः वह हमारे देश की नहीं बल्कि उनका जन्म विदेश में हुआ। ये बहुत ही कम उम्र में भारत आ गई और यहाँ की नागरिकता इन्हें मिल गई। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने नन बनने का निश्चय किया। नन का अर्थ होता है कि ईसाई धर्म में अविवाहित महिला या पुरुष जो अपना संपूर्ण जीवन दीनहीनों की सेवा में समर्पित कर देते हैं उन्हें हम नन कहते हैं। ये 12 वर्ष में ही नन बन गई और किशोरावस्था में ये जब ये भारत आई और भारत की सभ्यता और संस्कृति की आकर्षण शक्ति उन्हें यहाँ खींच लाई और यहाँ के नागरिकता मिलने के पश्चात ये कलकत्ता में मिशनरी स्कूल सेंट मैरीज स्कूल में एक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हुई। उसके कुछ वर्षों पश्चात ये उसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य की। कार्य करने के पश्चात भी इनका मन वहाँ मिशनरी में नहीं लगता था। कलकत्ता के झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब असहाय लोगों की दरिद्रता देखते हुए, उनकी गरीबी देखते हुए उनका मन हमेशा पसीजता रहता था कि कैसे दुख और तकलीफ झेल रहे हैं। इस अंतरात्मा की आवाज को देखते हुए उन्होंने 1946 यानी 1946 में उन्होंने अपना यह पद, प्रधानाध्यापिका का पद उन्होंने त्याग कर, कॉन्वेंट छोड़कर कलकत्ता की झुग्गी झोपड़ियों में घूम घूम कर लोगों के मन में दया और प्रेम की भावना जगाने का निश्चय किया। और ये उसी समय से एक एक घरों में जाकर लोगों के मनों में दया की भावना जागृत करना शुरू किया। अपने इस संकल्प के पश्चात उन्होंने एक मिशन स्थापित किया। वे समाज के तिरस्कृत लोगों, गरीब असहाय लोगों को सहारा देना शुरू किया और यही कार्य करते करते उन्होंने एक कलकत्ता के सरकार के द्वारा एक छोटे से जमीन के टुकड़े में एक घर धर्मशाला की स्थापना की, जिस धर्मशाला का नाम निर्मल हृदय रखा गया, जो आज भी निर्मल हृदय के नाम से जानी जाती है। इस गरीब लोगों के कार्यों, गरीब लोगों को मदद के लिए इन्होंने अनेक अनाथालय, सचल डिस्पेंसरी, दरिद्रों के लिए घर और कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक दवाखाना स्थापित की। इस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा की। इसके पश्चात उनके इन सेवा भावना को देखते हुए भारत सरकार की ओर से इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया तथा यह पूरे विश्व में इन्होंने न केवल हमारे देश में, भारत देश में, बल्कि पूरे विश्व में भी उनकी दया भावना को देखते हुए इन्हें शांति के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके कुछ ही सेवा कार्य करते करते उन्होंने अंततः उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई और
जो भी कार्य किया, जो भी सेवा कार्य किया, वह ईश्वर का संदेश समझकर किया। और इनका भी संदेश यानी मदर टेरेसा का भी यही संदेश है कि जिस तरह से ईश्वर हमें प्यार करता है, हमें भी एक दूसरे के साथ भी उसी दया भावना के साथ, उसी प्रेम के साथ हमें भी मिलकर रहना चाहिए। यही मदर टेरेसा का संदेश है और यही हमें संदेश देती है मदर टेरेसा। इसी के साथ बच्चों, हमें भी आज पूरे विश्व में ही नहीं, हमें अपने आस पड़ोस के गरीब असहाय लोगों की जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, हमें मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारा पूरा विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। हमें भी लोगों की सेवा करनी चाहिए, वही दया, वही भावना, वही प्रेम की भावना हमें भी अपने अंदर जागृत करना चाहिए। बच्चों, यही हमारा